गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास आपको पता होगा, तो आज हम लोग की क्लास होगी रजिस्ट्रिटी के बेस पर जो मटेरियल है उनके क्लासिफिकेशन को सीखेंगे, है ना। तो ये है आज हम लोग का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रिटी, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी और रजिस्ट्रिटी का जो रिलेशन होता है वह होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रजिस्ट्रिटी इंक्रीज होगा, है ना, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर रजिस्ट्रिटी डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना ऐसा। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्ट्रिटी, रजिस्ट्रिटी इंक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज, रजिस्ट्रिटी डिक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज, है ना। तो अब इसी रजिस्ट्रिटी के बेस पर हम लोग सीखेंगे मटेरियल की क्लासिफिकेशन को, है ना। तो कहीं कहीं कंडक्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इंसुलेटर होता है ना, सेमी कंडक्टर होता है, फिर सुपर कंडक्टर होता है। यस, यही है हमारे क्लासिफिकेशन, है ना। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी अच्छी हो, है ना, यानी बेस्ट कंडक्टर हो, बेस्ट कंडक्टिविटी हो, है ना। तो जो कंडक्टर अच्छा होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो कहीं कहीं उसकी जो रजिस्ट्रिटी होगी वो कम होगी। यस, तो रजिस्ट्रिटी जिसकी कम, कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा। तो रजिस्ट्रिटी ही रजिस्टेंस है, यानी हमने पढ़ा हुआ है जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगा उतना कम उसकी कंडक्टिविटी होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसकी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। बात समझ में आ गई ना, बस यही है हमारा। तो रेजिस्टिविटी के बेस पर हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहला वही कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड और, ये जो रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट होती है क्या? आंसर इन नो, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अब यहां पर कोई ना कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्लासिफिकेशन को सीखेंगे, है ना। तो पहले क्लासिफिकेशन पर आते हैं, जो कि है आपका कंडक्टर, यह है आपका मटेरियल, यह है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा हुआ ओम मीटर में, है ना, ये हमारा मटेरियल। तो मटेरियल में सबसे पहला क्या आता है, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर हमारा होता है, तो कंडक्टर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं कहीं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लो होता है। जब बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टिविटी है, तो पक्का है उसकी रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग ने यानी एक्सपेरिमेंट करके बताया गया, ठीक है, कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये रहा। और साथ ही साथ हर एक मटेरियल की अपना अपना, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, जिसको अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, अल्फा। तो हर मटेरियल का अल्फा होगा, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, समझ रहे ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब कंडक्टर हमारा हुआ पहला क्लासिफिकेशन आता है रेजिस्टिविटी के बेस पर। तो कहीं कहीं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, बहुत सारे, है ना, टेबल में आपके बहुत सारे लिखा हुआ है, हमने बस यही दो तीन लिया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए, ओके। तो सिल्वर जो हमारा है, जिसको माना जाता है बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर माना जाता है, यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी सबसे कम होगी। आंसर यस, इसकी रेजिस्टिविटी हुई 1.6 × 10⁻¹⁸, 10⁻¹⁸, है ना, मतलब बहुत 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 कम होता है, है ना, ये हुआ ओम मीटर। फिर कापर का आता है, तो कापर का इससे 0.1 ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा हुआ 1.7, ज्यादा है इसकी रेजिस्टिविटी, है ना, तो सिल्वर से ज्यादा है, तो यानी सिल्वर हमारा गुड कंडक्टर और कापर जो हमारा हुआ इससे थोड़ा सा हल्का कंडक्टर, है ना, समझ रहे ना, यस। तो अब ये हुआ, फिर उसके बाद गोल्ड भी हमारा होता है, एक कंडक्टर मटेरियल होता है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करके बताई गई, वह हुआ 2.27 × 10⁻¹⁸, है ना,
तो लगभग ये हमारा चेंज है, 1.6 है तो ये 1.7 है, बहुत माइनर डिफरेंस है ना, लेकिन है ओके। ये 2.27 का है, ये 10^-8 मतलब बहुत 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 स्मॉल, ठीक है ये हुआ। अब उसके बाद क्या आता है हमारा एलॉय, एलॉय भी हमारा क्या है एक कंडक्टर मटेरियल में एलॉय आता है हमारा, ठीक है। तो एलॉय मीन्स क्या होता है, एलॉय मीन्स जो हमारे एलिमेंट होते हैं मेटल टू मेटल, है ना, नॉन मेटल टू नॉन मेटल या मेटल नॉन मेटल, इनका जो कम्बिनेशन होता है उनकी हेल्प से हमको क्या मिलता है एलॉय। तो एलॉय में सबसे पहले आता है हमारा मैग्नीन, है ना, तो मैग्नीन हमारा एक एलॉय है। तो ये किसका किसका मिक्सचर है, तो आंसर है कॉपर का, ठीक है, मैग्नीज का और निकिल का, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारा मैग्नीन है यह एक एलॉय है ना, लेकिन किसका किसका मिक्सअप है, तो आंसर है कॉपर का, मैग्नीन का और निकिल का। थोड़ा सा एक आइडिया आप यहां से ले सकते हो, है ना। तो यहां पे आ रहा है MAN, एक हटाओ तो MAN आता है, यानी मैग्नीन आता है ना, और यह है NIN, यानी NI को निकालो तो निकिल आ जाता है। तो कहीं कहीं मैग्नीन यानी मैग्नीज और निकिल, मैग्नीज और निकिल ये है, और एक कॉपर वर्ड जुड़ गया है। तो आपको मैग्नीन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि MN तो आ रहा है, NI भी आ रहा है, तो कॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको इसमें ऐड कर लेना है ना। मैग्नीन में कॉपर मैग्नीज और निकिल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, ये याद रख लीजिएगा, है ना। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वह क्या होती है, 44, ये 1.6 था, ये 1.7 था, ये 2.27 था, और यह 44, इससे ज्यादा हुआ है ना ओके। लेकिन ये कंडक्टर हमारा है, ये सब हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है कॉन्स्टेंटन, तो कॉन्स्टेंटन भी आपका एलॉय है। तो ये किसका किसका मिक्सअप है, किसका किसका का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये है आपका कापर, तो सी से आ रहा है, सी फॉर सी यू, यानी कापर, है ना। कॉन्स्टेंटन न न न न आ रहा है, न न न निकिल, तो कापर और निकिल का मिक्सर है, ठीक है। तो किसका किसका मिक्सअप है, कॉन्स्टेंटन कापर और निकिल का, कापर सी से आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन भी सी से शुरू है, सी 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 कापर कापर, ठीक है, और न न न कॉन्स्टेंटन न न न निकिल निकिल, ये हमारा निकिल, ठीक है। इसका जो रेजिस्टिविटी होता है यह इससे कहीं ज्यादा होता है, 49 होता है, 10^-8 बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, लेकिन ये एलॉय है और ये कंडक्टर है, ये बहुत कम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका नाइक्रोम, है ना, नाइक्रोम ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये भी एक एलॉय है। तो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, देखो NI से निकिल, ठीक है, देखो CR H को हटाओगे तो CR आ रहा है, सी फॉर क्रोमियम, ठीक है, और फिर MN मैग्नीज, तो इसमें मैग्नीज भी जोड़ लो, है ना, मैग्नीज जोड़ लो, और E आ रहा है E, तो Me, आयरन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, है ना, कि ये जो लाए होते हैं उनके जो मिश्रण होते हैं किसके किससे बना हुआ है, ठीक है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है, निकिल आया, CR से क्रोमियम आया, फिर मैग्नीज, फिर आपका Me से आयरन, ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसका जो आपका रेजिस्टिविटी है वह है 100 × 10^-8, ये हमारा होता है, ठीक है। ये तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ कंडक्टर का, ठीक है, रेजिस्टिविटी के बेस पर। ये सबसे बेस्ट है ना, यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछा हुआ जाता है क्वेश्चन, वो क्या होता है, जो कंडक्टर हमारा होता है ना, कंडक्टर इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है रेजिस्टिविटी का अल्फा, ये कैसा होता है, तो आंसर ये पॉजिटिव होता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो हमारा मटेरियल है यानी कंडक्टर मटेरियल, तो कंडक्टर मटेरियल जो हमारे होते हैं, अगर इनका हम टेम्परेचर, ये कहीं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे,
टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उनका जो रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, वो भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कंडक्टर जो हमारे मटेरियल होते हैं, इनका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कहीं कहीं उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये भी याद रखो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेमी कंडक्टर पर, ठीक है। दूसरा जो हमारा मटेरियल हुआ, दूसरा क्लासिफिकेशन, वह हुआ सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में क्या आता है, जर्मेनियम आता है और सिलिकॉन आता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टिविटी होता है वह होता है 0.45 ओम मीटर, और जो सिलिकॉन होता है 640 होता है। यानी ये देखो 10^-8 ये बहुत 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 स्मॉल है, लेकिन इनकी अपेक्षा ये क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है ना, जिसमें आता है आपका जर्मेनियम 0.45 ओम मीटर और सिलिकॉन का 640, ये हमारा होता है, ठीक है। अच्छा, तो सेमी कंडक्टर की बात करें, तो सेमी कंडक्टर में यहां से कंपटीशन में पूछा गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम यहां पर अल्फा की बात करें, टेम्परेचर कोफिशियंट की बात करें, किसकी, सेमी कंडक्टर की, तो यहां पर रिजल्ट आता है, अगर हम सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बोलो, अभी अभी बताए ना। तो जब सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वह किसका काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा, और जब सेमी कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो यह किसका काम करेगा, यस, इंसुलेटर का काम करेगा। ये दोनों नेचर रखता है ना, सेमी कंडक्टर है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा, दोनों प्रॉपर्टी रखेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कंडक्टर, टेम्परेचर डिक्रीज करो तो इंसुलेटर, है ना। तो यस, यहीं पे होता है जादू, ठीक है। तो जो हमारा सेमी कंडक्टर है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज, और कंडक्टिविटी कैसी होगी, इंक्रीज, है ना। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम सेमी कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इंक्रीज, और जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी डिक्रीज। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा खूब अच्छे से, है ना, हमने तो समझा दिया आपको, और भी अगर आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो इसको, समझ लो, लेकिन नोट कर लो इसको, ठीक है। तो यहां पर आता है, तो जो अल्फा होता है सेमीकंडक्टर का वह कैसा होता है, तो आंसर है निगेटिव होता है, लिख लो, है ना। सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, वह कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है। इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर, डिक्रीज करोगे तो इंसुलेटर, ठीक है, ओके, ये हमारा हुआ। अब आता है इंसुलेटर, तीसरा इंसुलेटर हमारा होता है, तो इंसुलेटर में कंडक्टिविटी होती है क्या, आंसर है, नहीं होती है। तो इसका मतलब जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, जो रेजिस्टेंस होगा, वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, है ना, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये रहा आपका ग्लास, मटेरियल है ग्लास, और इसकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर में, है ना। तो ग्लास का जो रेजिस्टिविटी होता है वह 10^10 to 10^14 तक होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई, कंडक्टिविटी नक्को नहीं होता है, है ना, ये इस तरह से। तो ग्लास में कंडक्टिविटी होती नहीं है, तो ये हुआ आपका इंसुलेटर, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, है ना, ये देखो इतना 10^10 to 14 तक। अब उसके बाद आता है ड्राई पेपर, तो जो ड्राई हमारा पेपर होता है वह 10^12 होता है, ये भी बहुत हाई है, है ना। लकड़ी है हमारी वुड, है ना, वो कैसी है, ड्राई वुड, 10^13, ये और 10^13 से लेकर इससे भी ज़्यादा होती है ना, ये इनकी रेजिस्टिविटी हुई। तो हाई रेजिस्टिविटी,
लो कंडक्टिविटी, समझ रहे ना? यस। अब ये तो हमारा रहा, अब अगर हम इसके अल्फा की बात करें, इसके अल्फा की बात करें तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, है ना, तो ये कंडक्टिविटी और इसकी जो कंडक्टिविटी है रेजिस्टिविटी है उसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा, है ना, इसलिए इसमें जो अल्फा होता है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर है ना, जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी, है ना, जीरो होगी, तो कंडक्टिविटी जीरो यानी रेजिस्टेंस जीरो, तो किसी मटेरियल में रेजिस्टिविटी हाई नहीं है, जीरो है, रेजिस्टेंस हाई नहीं है, जीरो है, तो चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा कौन, जब उसमें कुछ हाई नहीं है रोकने वाला तो कौन रुकेगा, भागा जाएगा भागा जाएगा भागा जाएगा, है ना, आंसर यस, भागता जाएगा, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, सवाल है ना, जो कंडक्टर हमारा होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, उसमें रेजिस्टिविटी होगी ही नहीं, और होगी तो झुकेगा नहीं, जाएगा, और होता ही नहीं है कुल मिला के, तो जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टिविटी यानी यस उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो कंडक्टिविटी उसकी इन्फिनाइट तक होगी, बहुत दूर तक, जहां तक जाओ तहां तक जाएगी, ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा सुपर कंडक्टर। तो दीज आर मटेरियल्स, मेटल्स हो, कंपाउंड हो, कोई भी मटेरियल हो, है ना, हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो, ठीक है, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, किसी ऐसे टेम्परेचर पर उनका जो रेजिस्टिविटी होगा क्या होगा, जीरो, और उस टेम्परेचर का नाम होगा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का नाम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ कहीं कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, और ध्यान रखिएगा इसका कहीं कहीं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, आप किसी भी टेम्परेचर पर ले सकते हो, है ना, समझ में आ गया, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ये रहा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, है ना, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आसान तरीका, न्यूमेरिकल को पढ़ो और जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं उनका टेबल बना लो, यानी राइट कर लो, ठीक है, पहला तरीका। राइट करने के बाद हमको फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा गौर से देखना है ना, क्या वो एक सिस्टम में है कि नहीं है, ठीक है, एक सिस्टम में होगा तो अच्छी बात है, और अगर डिफरेंट सिस्टम में है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा, है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक सिस्टम में हो जाए, बस फिर फार्मूला रखो आंसर ले जाओ, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन हमारा है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, है ना, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपका, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²⁰ ओम, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है उस कॉपर वायर का, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है उस कॉपर वायर की, बस इतना आसान है। तो आप लोग पहले पढ़ो और देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कॉपर वायर का लेंथ दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो आंसर है 2 मीटर, ये तो SI में है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.7 × 10⁻⁶ मीटर है, आंसर है क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये भी कहीं कहीं मीटर SI स्क्वायर में, यानी SI यूनिट में, ओके, हैज अ रेजिस्टेंस ओम, ओम ये भी SI में है, तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻²⁰ ओम, ये दिया हुआ है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, बस है ना, तो आपको ये ऐसा फॉर्मूला सर्च करो, है ना, जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा जो दिया हुआ है, ये SI में है, ये भी SI में है, ये भी SI में, सब SI में है, हमको कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, यस। तो रो पूछा है, रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है, तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू रो L अपान A, पढ़ा हुआ है, जानते हैं आंसर, यस, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये A का डिवाइड है यहाँ पे, R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हुआ R इंटू A, R इंटू A हो गया,
रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई है, तो लेंथ इधर होगा डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, सारी वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, ये रहा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 ओम, ये है आर की वैल्यू, ठीक। मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, डिवाइड बाई एल, एल क्या चीज है, लेंथ 2 मीटर, ये रहा 2 मीटर, ठीक है। बस सॉल्व करो, जो आएगा वो भी एसआई में ही आएगा, ठीक है। ये 2 से 2 मर गया, ठीक है, 1.7 और कोई नंबर है नहीं, तो 1.7 बचा इकलौता, है ना, इकलौता बंदा 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर जुड़ जाएंगे, तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, तो ये 10 के पावर माइनस 8, ठीक है। ये रहा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है, आंसर मिल गया, और इसकी एसआई यूनिट ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, आज शिवरात्रि भी है, ओम नमः शिवाय, ओम इंटू मीटर, ओके। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अब फिर से हम लोग कल की क्लास में न्यूमेरिकल ही सीखेंगे, कल ढेर सारा हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।